हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास इलेवेंथ कंप्यूटर साइंस चैप्टर वन का एट्थ पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सो लेट अस स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट में हम उसे बोलते हैं ओएस, कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ रिसोर्स मैनेजर विच मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर दैट इज इट्स हार्डवेयर इंक्लूडिंग सी रैम डिस्क नेटवर्क एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग एक तरीके से एक रिसोर्स मैनेजर कह सकते हैं रिसोर्स मैनेजर मतलब कि जो ये मैनेज करता है कि रिसोर्स का इस्तेमाल रिसोर्सेस का यूज किस तरीके से हो रहा है और ये क्या क्या मैनेज करता है ये सभी तरह के हार्डवेयर को मैनेज करता है फॉर एग्जाम्पल सी पी रैम डिस्क नेटवर्क एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ठीक है तो ये रिसोर्स मैनेजर है इट ऑल्सो कंट्रोल वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर्स मैनेजेस सिस्टम सिक्योरिटी एंड हैंडल एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर्स साथ ही ये और क्या मैनेज करता? करता है ये डिवाइस ड्राइवर्स को भी मैनेज करता है सिस्टम सिक्योरिटी भी मैनेज करता है हैंडल्स एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर और अलग अलग यूजर्स के द्वारा जो एक्सेस होता है उसको भी ये हैंडल करता है ठीक है एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर ओ एस आर विंडोज लाइन एक्स एंड्रॉइड मशीन टोज एंड सोहन ये सारे जो है पॉपुलर ओ के एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू फोल्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है जो मेन काम होता है वो टू फोल्ड यानी दो काम है द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम तो पहला जो काम है वो ये है कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम सिस्टम पर कंप्यूटर पर रन हो जाए काम करे इसके लिए जिन सर्विसेज की जरूरत है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराना वेन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स टू बी रन इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम विच लोड्स दैट प्रोग्राम बिन टू मेमोरी एंड एलोकेट इट टू दीपी एग्जीक्यूशन और जब एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करना होता है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको सीपीयू का टाइम मेमोरी उपलब्ध कराता है कि कैसे उसको लोड होगा वो RAM में और किस तरीके से वो चलेगा तो सारा प्रोसेस सीपी उपलब्ध कराता है उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को वेन मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स टू बी रन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द एग्जीक्यूशन और जब बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करने होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम स्कूल का एक कल्पना करें तो स्कूल में एक प्रिंसिपल की तरह से होता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल का काम है पूरे रिसोर्स को एक तरीके से एग्जीक्यूट करना उसको मैनेज करना टीचर क्या टीचर जो है उस काम को कर रहे हैं तो टीचर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की तरह से है तो असली में जो स्टडी हो रहा है वो प्रिंसिपल नहीं कराते हैं टीचिंग जो है वो टीचर कराते हैं लेकिन टीचर वो प्रिंसिपल वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं टीचर्स को जिसके कारण से टीचर आसानी से टीचिंग कर पाता है ठीक उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी एग्जीक्यूट करता है किसी एक सिस्टम में तो वो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम खुद जाकर जैसे आप एमएस वर्ड चलाते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्टली नहीं यूज करते हैं लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारी फैसिलिटीज एमएस वर्ड को उपलब्ध कराता है जिसके कारण एम एस वर्ड ठीक से काम कर पाता है द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द यूजर थ्रू विच द यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करना यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना थ्रू विच द यूजर कैन इंटरेक्ट विद कंप्यूटर जिसके जरिए यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके इंटरेक्ट से कंप्यूटर बा, से बातचीत कर सके ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्कूल में कोई पेरेंट्स आते हैं मिलने किसी से तो वो किस टीचर से मिलेंगे अपनी प्रॉब्लम किस टीचर्स को कहेंगे किस या किसी टीचर से उनको प्रॉब्लम है कोई उनको लग रहा है ठीक से नहीं पढ़ा तो ये सब बातें किससे कहेंगे तो ये जो प्लेटफॉर्म एक्चुअली प्रिंसिपल प्रोवाइड कराता है स्कूल में पेरेंट्स डायरेक्टली टीचर से इंटरेक्ट ना करके प्रिंसिपल के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं जिससे कि पेरेंट्स को भी एक इंटरफेस मिल जाता है ताकि वो स्कूल से आसानी से इंटरेक्ट कर सके इंटरफेस इज अ सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेट विच इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर इंटरफेस क्या होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है एंड हुज जॉब इज टू टेक कमांड्स और इनपुट फ्रॉम द यूजर फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोसेस जिसका काम क्या होता है टू टेक कमांड्स और इनपुट्स फ्रॉम यूजर ठीक है वो यूजर से कमांड या इनपुट लेता है फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोसेस जिस पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है जिसके अनुसार काम करता है ठीक है तो यूजर से कमांड या इनपुट लेने का काम कौन कर रहा है यूजर इंटरफेस कर रहा है ओ एस यूजर इंटरफेस देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेसेस ईच ऑफ विच प्रोवाइड अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी तो अलग अलग तरह के यूजर इंटरफेस होते हैं जो अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करते हैं सम कॉमनली इंटरफेसेस आर शोन इन द फिगर 1.15 कुछ कॉमनली यूज इंटरफेस आपको फिगर में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कमांड बेस्ड इंटरफेस कमांड बेस्ड इंटरफेस रिक्वायर्स यूज़र टू एंटर द कमांड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक क्रिएटिंग ओपनिंग एडिटिंग और डिलीटिंग फाइल एक्सेट्रा तो कमांड बेस्ड इंटरफेस में ये ऐसा होता है कि यूजर अपना कमांड देता है और उसके हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है जैसे क्रिएटिंग कर क्रिएट करना किसी फाइल को ओपन करना एडिट करना डिलीट करना एक्सेट्रा यूजर हैज़ टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल सच प्रोग्राम और स्पेसिफिक कमांड विच आर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट तो यूजर को ये बात याद होनी चाहिए पता होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से कमांड को सपोर्ट करता है कौन कौन से कमांड को समझता है ठीक ऐसा नहीं कि यूजर कुछ भी लिख दे कि मेरी फाइल खोलो मेरी फाइल बनाओ नहीं उसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड होगा की होगा वही वहां पर टाइप होना चाहिए जैसे ओपन इस तरीके से द प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज बाय द यूजर फॉर द कमांड बेस्ड इंटरफेस इज की तो कमांड बेस्ड इंटरफेस में जो मेन इनपुट डिवाइस यूज होता है वो कौन सा होता है कीबोर्ड कमांड बेस्ड इंटरफेस इज ऑफन लेस इंटर एंड यूजुअली अलाउज यूजर टू रन अ सिंगल प्रोग्राम एट अ टाइम कमांड बेस्ड इंटरफेस जनरली लेस इंटरक्टिव होता है यानी कि यूजर उतना ज्यादा भी उसको configure नहीं कर सकता और जनरली वो एक बार में एक ही प्रोग्राम को अलाउ करता है ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद कमांड इंटरफेस इंक्लूड डॉस एंड यूनिक्स तो ये सारे जो है एग्जाम्पल हैं कमांड बेस्ड इंटरफेस के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस शॉर्ट में इसे जी भी कहते हैं लेट्स यूजर्स रन प्रोग्राम और गिव इंस्ट्रक्शन टू द इन द फॉर्म ऑफ आइकन मेन्यूज एंड अदर विजुअल ऑप्शन यूजर कैसे कमांड देता है इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स मेन्यूज विजुअल ऑप्शन पर क्लिक करता है मेन्यूज पर क्लिक करता, करता है और विजुअल ऑप्शन पर क्लिक करता है ठीक है जैसे आपने नॉर्मली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा आइकन यूजअली रिप्रेजेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर एंड विंडोज रिप्रेजेंट रनिंग प्रोग्राम दैट द यूजर हैज लॉन्च थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम तो आइकन जनरली क्या किस चीज़ के सिंबल होते हैं वो किसी एक प्रोग्राम के या किसी सॉफ्टवेयर के सिम्बल होते हैं जिसको कि यूजर चलाना चाहता है द इनपुट डिवाइस यूज टू इंटरेक्ट विद दी यू आई कॉमनली इंक्लूड द माउस एंड द कीबोर्ड इन पे इनमें कौन से मेनली इनपुट डिवाइस का यूज होता है इनमें माउस का यूज होता है या की बोर्ड का यूज होता है ठीक है इस एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद जियो आई इंटरफेस इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूबंटू फेदोरा मशीन टोश अमंगे सारे क्या है ये जी आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एग्जाम्पल्स हैं टच बेस्ड इंटरफेस टूडे स्मार्टफोन टैबलेट एंड पीसी अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम सिंपली यूजिंग द टच इनपुट Using the touch screen, a user provides inputs to the operating system, interpreted by the OS as commands like opening an app, closing an app, dialing a number, scrolling across app, etc. तो so, touch base में क्या होता है? इसमें एक screen touch screen होती है, जिसको कि user touch करकर command दे सकता है, और यहाँ पर icons बने होते हैं, जिनको कि वो touch करके अपने command देता है। तो ये आइकन्स भी प्रोग्राम को ही रिप्रेजेंट करते हैं बस जो पॉइंटिंग टच जो पॉइंटर का, का काम होता है वो आपका फिंगर करती है या आपका टच करता है तो वहां से आप पर्टिकुलर प्रोग्राम को टच करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं क्लोज कर सकते हैं उसको कमांड दे सकते हैं ये सब कुछ सिर्फ टच पर पॉसिबल है एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विद टच बेस्ड इंटरफेसेस आर एंड्रॉइड एंड आई एंड्रॉयड एंड आई विंडोज एट एंड टेन ऑल्सो सपोर्ट टच बेस्ड इंटरफेस ऑन टच स्क्रीन डिवाइसेस ठीक है तो विंडोज एट पॉइंट इंटरफेस को सपोर्ट करते हैं वॉइस बेस्ड इंटरफेस मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव बीन डिजाइन टू एड्रेस द नीड्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ यूजर्स इंक्लूडिंग पीपल विद स्पेशल नीड्स एंड पीपल हु वॉन्ट टू इंटरक्ट विद द कंप्यूटर तो ऐसे लोगों की नीड्स के लिए भी हमने ध्यान दिया है मॉडर्न कंप्यूटर में जो कि स्पेशल नीड्स हैं और किसी तरीके उनको डिसेबिलिटी भी है तो ऐसी जरूरतों को भी उनकी पूरी हो जाए इस तरह के हिसाब से मॉडर्न कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं इनपुट डिज लाइक दीबोर्ड एंड टच स्क्रीन मॉडर्न सिस्टम प्रोवाइड्स अदर मीन ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन ऐसे लोग जो कि माउस का यूज की का यूज टच स्क्रीन का यूज करने में सहज नहीं है नॉर्मली नहीं कर सकते वो तो ऐसे में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है इनको अदर मीन ऑफ इनपुट भी प्रोवाइड करता है ताकि ह्यूमन कंप्यूटर ह्यूमन इंटरेक्शन आराम से हो जाए यूजर्स टूडे कैन यूज वॉइस बेस्ड कमांड्स आज यूजर्स आजकल वॉइस बेस्ड कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक अ कंप्यूटर वर्क इन द डिजायर्ड वे ताकि कंप्यूटर जो है डिजायर्ड तरीके से काम कर पाए सम ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड वॉइस बेस्ड कंट्रोल टू द यूजर्स इंक्लूड आईओ एस एंड्रॉइड एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि वॉइस बेस्ड कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन से हैं आईओएस एस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 जेस्टर बेस्ड इंटरफेस सम सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन एंड्रॉयड एंड आईओ एस एज वेल एज लैपटॉप लेट यूजर्स इंटरेक्ट विद डिवाइसेज यूजिंग जेस्टर्स लाइक वेविंग टिल्टिंग आई मोशन एंड शेकिंग कुछ स्मार्टफोन जो की एंड्रॉयड और आईओ एस बेस्ड है वो यूजर्स को जेस्टर बेस्ड इंट्रैक्शन भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि वेव करना टिल्टिंग आई मोशन और शेकिंग इसके हिसाब से भी वो यूजर चाहे तो कमांड दे सकता है दिस टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग फास्टर एंड इट हैज प्रॉमिसिंग पोटेंशियल फॉर एप्लीकेशन इन गेमिंग मेडिसिन एंड अदर एरियाज तो ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और इसका बहुत ज्यादा यूज होने की संभावना है गेमिंग में मेडिसिन में और अदर एरियाज में फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली बनाया ही क्यों गया है किस काम को वो पूरा करता है लेट अस एक्सप्लोर द सर्विसेज एंड टास्क दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर सिस्टम तो कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस फंक्शंस को प्रोवाइड करता ये हम उनको समझते हैं पहला क्या है पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब वाइल अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेशनल डिफरेंट टास्क आर रनिंग साइमल्टियसली जब कंप्यूटर सिस्टम चल रहा होता है तो अलग अलग जो टास्क होते हैं वो साइमल्टेनियसली यानी एक साथ चल रहे होते हैं अ प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू कैरी आउट वेरियस टास्क प्रोग्राम जो भी चल रहा हो वो हो सकता है एक साथ कई काम करने की कोशिश करे और टास्क इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस एक ऐसा टास्क एक ऐसा काम जो कि अभी एग्जीक्यूट हो रहा है जो चल रहा है उसी को हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं प्रोसेस वी कैन एक्टिवेट अ सिस्टम मोनिटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस बींग एग्जीक्यूटेड ऑन अ कंप्यूटर तो हम लोग एक ऐसे मॉनिटर प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं जैसे कि अगर आप विंडोज पर जाएंगे तो ऐसा एक प्रोग्राम है टास्क मैनेजर जो आपको बता देता है कि कितना मेमोरी यूटिलाइज हो रहा है कितना सी यूटिलाइज हो रहा है कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है इन सम सिस्टम्स इट कैन बी एक्टिवेटेड बाई यूजिंग कंट्रोल आल्ट डिलीट तो कुछ सिस्टम में ऐसा प्रोग्राम हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं बाई कंट्रोल आल्ट डिलीट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज दिज प्रोसेस एंड गेट मल्टीपल टास्क कम्प्लीटेड इन मिनिमम टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सारे प्रोसेस चलते रहें और जो भी काम कमांड दिया जा रहा है वो मिनिमम टाइम में पूरा हो जाए अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपको अपने जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है जो भी प्रोग्राम आपको अपने सामने दिख रहे हैं केवल वही प्रोग्राम नहीं चलते रहते बहुत सी चीजें मैनेजमेंट की चीजें प्रोसेस मैनेजमेंट बैकग्राउंड में भी चलती रहती है जो कि जनरली हमें पता नहीं चलती जैसे कि टाइम मैनेजमेंट करना शेड्यूल मैनेजमेंट करना ये सारी चीजें चलती रहती हैं एस सी पी यू इज द मेन सोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इट्स अलोकेशन अमंग द प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि सी पी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का जो कि रियल में कैलकुलेशन कर रहा होता है तो ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम जिनको कि कैलकुलेशन की जरूरत होती है वो सी के पास जाते हैं अपना काम कराने के लिए और इसीलिए सी का अलॉटमेंट कि किस प्रोग्राम को सी का टाइम दिया जाए वो ये जो प्रो है ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है सर्विस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है प्रोसेस मैनेजमेंट कंसर्न्स द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, एलोकेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग प्रोसेसेस इसीलिए प्रोसेस मैनेजमेंट का क्या क्या काम आता है इसमें आता है कि मल्टीपल प्रोसेस को मैनेज करना उनको रिसोर्सेज अलॉकेट करना किसको कौन सा रिसोर्स चाहिए किसको सीपीयू चाहिए किसको इनपुट डिवाइस चाहिए किसको आउटपुट डिवाइस चाहिए ये सारी चीजें मैनेज करना एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग प्रोसेस और अलग अलग जो प्रोसेस है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए इसलिए उनके बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना ये भी काम किसका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है अगला काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरी और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज यूजुअली लिमिटेड तो प्राइमरी मेमोरी होती है या जो मेन मेमोरी है कंप्यूटर की वो जनरली क्या होती है लिमिटेड होती है वो अनलिमिटेड नहीं बहुत बड़ी साइज की नहीं होती है द मेन टास्क ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट इज टू गिव एलोकेट एंड टेक फ्री मेमोरी फ्रॉम द रनिंग प्रोसेस तो मेन जो टास्क होता है मेमोरी मैनेजमेंट में क्या आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको करता है कि जो भी रनिंग प्रोसेस है उसको जो मेमोरी चाहिए वो उसको एलोकेट करना और अगर जब वो प्रोसेस पूरा हो जा रहा हो कोई मेमोरी को फ्री कर रहा है तो उसको फ्री करना ताकि अगला कोई उस का कर सके नीड टू डायनेमिकली एलोकेट एंड फ्री मेमोरी टू द प्रोसेस चूंकि बहुत सारे प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं इसलिए जरूरत इस बात की पड़ती है कि डायनेमिकली ऑन द गो यानी कि विदाउट टाइम का वेस्ट किए ही मेमोरी अलॉकेशन को कर दिया जाए ताकि जो भी नए प्रोसेस आ रहे हैं उनके लिए मेमोरी खाली हो जाए और जो पुराने प्रोसेस उनको मेमोरी से हटा दिया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम शुड डू इट विदाउट एफेक्टिंग अदर प्रोसेस दैट आर ऑलरेडी रिजाइडिंग इन द मेमोरी एंड वंस द प्रोसेस इज फिनिश्ड इट इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेक द मेमोरी स्पेस बैक फॉर री यूटिलाइजेशन तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको करना होता है ऐसे करना होता है ताकि जो अदर प्रोग्राम चल रहे हैं उन पर कोई प्रभाव न पड़े उन पर इफेक्ट न पड़े बस नए प्रोग्राम को एक मेमोरी एलोकेट हो जाए जो भी आ रहा है और इस बात को भी इंश्योर करना होता है कि जो पुराना जो प्रोग्राम चल रहा था जो भी फिनिश हो गया वो मेमोरी से चला जाए और उसकी जगह खाली हो जाए और वो नया प्रोग्राम यूटिलाइज कर पाए मेमोरी मैनेजमेंट कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी सो दैट द मैक्सिमम मेमोरी इज ऑक्युपाइड और यूटिलाइज बाई द लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस वाइल कीपिंग ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी लोकेशन विद इन द मेमोरी एज फ्री और आकुपाइड सो मेमरी मैनेजमेंट का काम क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी का बेस्ट यूटिलाइज करना मैक्सिमम यूटिलाइज करना और इस तरीके से कि जो नए प्रोसेस आ रहे हैं उनके लिए जगह हमेशा अवेलेबल हो जाए जो पुराने प्रोसेस अगर वो हट रहे हैं जो वहाँ से मेमोरी से उनको मेमोरी से हटा लिया जाए और उनकी जगह को फिर से फ्री कर लिया जाए और यह पूरा काम बहुत बेस्ट तरीके से हो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम तीसरा काम जो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंपॉर्टेंट काम है वो है वो फाइल मैनेजमेंट डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द फाइल इन द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम तो डेटा और प्रोग्राम जो भी होते हैं वो फाइल्स में स्टोर होते हैं कहां पर सेकेंडरी स्टोरेज में फाइल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द क्रिएशन अपडेशन डिलीशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज फाइल्स इन द सेकेंडरी मेमोरी तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्किंग एरिया है वो केवल प्राइमरी मेमोरी तक ही नहीं है उसका असर उसका इफेक्ट उसका काम जो है सेकेंडरी मेमोरी तक भी जाता है सेकेंडरी मेमोरी में जाकर वो फाइल मैनेजमेंट का काम को करता है हालांकि एग्जीक्यूट वो रैम में ही होता है रैम में ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम चलता है लेकिन उसका इफेक्ट सेकेंडरी मेमोरी तक भी जाता है और वहां जाकर वो फाइल को मैनेज करता है प्रोटेक्शन इज अ क्रूशियल फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस एंड एन यूजन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम को बहुत से यूजर्स यूज use करते हो एक्सेस करते हो तो इसलिए फाइल प्रोटेक्ट रहे वो अनऑथोराइज यूजर से बची रहे उसको कोई अनऑथोराइज यूजर्स उसको खराब ना करे छेड़े ना फाइल्स को इसके लिए ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तभी उसका ट्रस्ट वर्दीनेस बना रहेगा देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म इन प्लेस दैट विल स्टॉप यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल दैट बिलोंग टू सम अदर यूजर एम नॉट बी शेयर्ड विद देम और ऐसे यूजर्स जो कि जिनके लिए कोई एक फाइल नहीं है जिनको नहीं एक्सेस करनी चाहिए जो कि दूसरे यूजर्स की फाइल है तो उनको रोकना ताकि वो दूसरे यूजर्स की फाइल को एक्सेस ना कर पाए फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजेस सेकेंडरी मेमोरी वाइल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल्स द मेन मेमोरी एट अ कंप्यूटर सिस्टम जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो मेनली क्या मैनेज करता है सेकेंडरी मेमोरी और जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम करता है वो किसको मैनेज करता है वो मेन मेमोरी को ठीक है तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो मैनेज कर रहा है सेकेंडरी मेमोरी को और जो मेन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो मैनेज कर रहा है मेन मेमोरी को ठीक डिवाइस मैनेजमेंट फिर चौथा काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का डिवाइस मैनेजमेंट और कंप्यूटर सिस्टम हैज मेनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड हार्डवेयर कनेक्टेड टू इट एक कंप्यूटर सिस्टम बहुत से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और हार्डवेयर होते हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस दीज हेट्रोजीनियस डिज दैट आर इंटरडिपेंडेंट तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग तरह के डिवाइस को मैनेज करता है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हो सकते हो सकता है कि एक डिवाइस के करने पर ही दूसरा डिवाइस काम करता हो द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विद द डिवाइस ड्राइवर एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर फॉर अ पर्टिकुलर डिवाइस तो एक पर्टिकुलर डिवाइस को चलाने के लिए जैसा कि पहले भी आपको बताया गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम पूरी तरीके से उसके डिवाइस ड्राइवर को दे देता है तो जब भी एक डिवाइस को मैनेज करना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके डिवाइस ड्राइवर से ही बात करता है द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द ऑप्शन फॉर कन्फिगरिंग अ पर्टिकुलर डिवाइस सो दैट इट मे बी यूज बाई एन एंड यूजर और सम अदर डिवाइस तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑप्शन भी उपलब्ध कराना चाहिए प्रोवाइड कराना चाहिए किसी को भी कि एक नया डिवाइस को कन्फिगर कर सके ताकि वो डिवाइस किसी और यूजर द्वारा भी यूज किया जा सके किसी और प्रोग्राम द्वारा भी यूज किया जा सके जस्ट लाइक फाइल्स डिवाइस ऑल्सो नीड सिक्योरिटी मेजर्स एंड देयर एक्सेस टू डिफरेंट डिवाइसेज मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि फाइल्स में रिस्ट्रिक्शन होता है कि कौन सा यूजर उसको एक्सेस कर सके उसी तरीके से डिवाइस में भी रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए या होता है ताकि कोई दूसरा अनऑथोराइज यूजर या अनऑथोराइज प्रोग्राम या अनऑथोराइज डिवाइस उसको एक्सेस ना कर सके ठीक है तो ये सॉफ्टवेयर एंड अदर हार्डवेयर ओनली ठीक है तो ये सारे चीजें हैं तो अभी हमने इस पार्ट के साथ साथ अपने पूरे चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है अब हमारा चैप्टर वन कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके समरी को एक बार रिव्यू करेंगे और साथ ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू